फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2022 और आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के बीच सबसे बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं। तो आरक्षण को लेकर ओबीसी मोर्चा ने निकाला जुलूस। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवा में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने को लेकर रविवार को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने की मांग, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराने की अपील। सहायक प्राध्यापक करेंगे आंदोलन। झारखंड सरकार का अनुबंध शिक्षक को ग्रेड पे ग्रॉस सैलरी और 65 वर्ष तक सेवा सुनिश्चित नहीं करती है तो शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर उग्र आंदोलन करेंगे। रविवार को झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो की अध्यक्षता में रांची विश्वविद्यालय परिसर में हुई। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति, हर झारखंडी की मांग। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर गांधी मैदान में रविवार को सभा हुई, जिसमें माटी का स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक संजय मेहता ने कहा कि झारखंड में झारखंड सरकार हकमारी की जा रही है। मार्च में शुरू होगी स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा। एक महीने ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मार्च में शुरू होगी ऑफलाइन परीक्षा। 10वीं 12वीं प्री बोर्ड के साथ ली जाएगी 9वीं की 11वीं की परीक्षा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के निर्देश के बाद मार्च के पहले सप्ताह से स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मार्च के पहले सप्ताह में सीबीएसई स्कूलों में 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज। विपक्ष जनता के सवालों को भी सदन में रखेगी। विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज लाया जाएगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की कार्रवाई 2 दिनों के अवकाश बाद सोमवार को फिर से शुरू होगी। पूर्वाह्न 11 बजे से प्रश्नकाल के सदन शुरू होगा। सोमवार होने के कारण दिन के 12 बजे से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल निर्धारित होगा। पंचायत चुनाव, मजबूत भागीदारी पर चर्चा। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा प्रदेश की बैठक रातू रोड में हुई। इसमें झारखंड में जिला परिषद और पंचायत चुनाव में समाज के लोगों की मजबूत भागीदारी के लिए 3 मार्च से जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय हुआ। झारखंड की स्कूली शिक्षा के लिए बना रोड मैप। 2022-27 में स्कूलों में होने वाले विकास कार्यों की तय हुई रूपरेखा। 9 मार्च को रिपोर्ट देगी राज्य सरकार केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को। शिक्षक की होगी अब स्थायी नियुक्ति। समग्र शिक्षा अभियान के साथ रोड मैप बना। आवश्यकता अनुसार हर साल इसमें योजनाओं को घटाया और बढ़ाया जा सकेगा और शिक्षा के अधिकार का पालन होगा सुनिश्चित। झारखंड का बजट गरीबों किसानों पर केंद्रित होगा। झारखंड सरकार अप्रैल महीने से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट की तैयारी पूरी कर ली है। यह बजट गरीबों और सीमांत किसानों पर केंद्रित होगा। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में भी होगी सुधार की कवायद। झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश। आज से आसमान से छटेंगे बादल, मौसम रहेगा शुष्क, न्यूनतम तापमान में भी बदलाव नहीं होने की उम्मीद। झारखंड के पश्चिमी विक्षोभ से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण रविवार को कई स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सिस्टम का असर यह रहा कि सुबह 11 बजे से ही राज्य के कई इलाकों में आसमान में घने बादल छाने लगे थे। इसके कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। इसी के साथ चतरा, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, कोडरमा, पाकुड़, देवघर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग जिले में कई जगहों के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई। स्थानीय को प्राथमिकता से मिले नौकरी नहीं तो होगा आंदोलन। नुइया में मुंडा मानकी डाकुआ एवं ग्रामीणों ने की बैठक। कहा रविवार को मुंडा मानकी डाकुआ एवं ग्रामीणों की एक बैठक नुइया गांव में हुई। बैठक में कहा गया कि पूरे सारंडा क्षेत्र में बाहर से आकर कई सारी कंपनियां यहां से आयरन और उत्खनन कर रही है। इसके बावजूद वहां के स्थानीय आदिवासी लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में खदानें हैं वहां के स्थानीय 80% ग्रामीणों को नौकरी ग्रामीण मुंडाओं के स्थापित्य के आधार पर होना चाहिए। गिरिडीह पंचायत का चुनाव 13। हिंदपीढ़ी की इंद्रिसिया 84 पंचायत का चुनाव 13 मार्च को होगा। रविवार को नामांकन दाखिल करने वाले 16 उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। चुनाव कमेटी ने लॉटरी के माध्यम से चुनाव चिन्ह आवंटन किया। 9 प्रवेश परीक्षा की तैयारी मुक्त कराएगी सरकार। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होंगे 100 विद्यार्थी। रहना खाना सारा पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। जैक की परीक्षा का जिम्मा, 2 और योजनाएं चल रही हैं। जमशेदपुर में चंगाई सभा का विरोध, हंगामा, तोड़फोड़ के बाद आगजनी। धर्म परिवर्तन का आरोप लगा हिंदूवादी संगठनों का बवाल। दोपहर 12 से 4 बजे तक हंगामा। क्यूरिटी ने संभाला मोर्चा।
तो गोलमोरी के नानक नगर साउथ इंडियन क्लब के सामने रविवार सुबह चल रही ईसाई समुदाय की चंगाई सभा का विरोध करते हुए बजरंग दल व अन्य हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। उन लोगों ने चंगाई सभा के लिए रखी कुर्सियों में तोड़फोड़ की और पोस्टर में आग लगा दी। तोड़फोड़ में महिलाएं भी शामिल थी। पुरानी पेंशन लागू करे सरकार। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षा दल के बैनर तले शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की फिर से मांग की है। रविवार को इसको लेकर शिक्षक की एक बैठक पीआरसी भवन में हुई। बैठक में रांची, हजारीबाग, बोकारो, दुमका, देवघर, गिरिडीह, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पलामू, लातेहार, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षा प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत चुनाव के लिए 15,000 मतदान कर्मियों की जरूरत। कर्मचारियों की सूची बनाने की तैयारी। जरूरत पड़े तो मतदान कर्मियों को एक से अधिक चरण में लगेगी ड्यूटी। एक साथ चार पदों के लिए होगा मतदान। 256 पंचायत है धनबाद जिले में। चार चरणों में धनबाद में चुनाव कराने का प्रस्ताव। राज्य में 1932 से खाद्यान्न पर स्थानीय नीति जल मंत्री। झारखंड के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में जल्द ही 1932 से खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी काम कर रही है। वे रविवार को सरायकेला में ईवीएम वेयर हाउस निर्माण में भूमि पूजन के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जून में कोरोना की चौथी लहर संभव। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कोरोना काल को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। उनका दावा है कि कोरोना की चौथी लहर 10 तक 22 जून से हो सकती है। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम रूप से जिले के मतदाताओं की संख्या हुई जारी। 10,68,000 लोग डालेंगे वोट। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी पंचायत चुनाव के लिए अंतिम रूप से मतदाताओं की संख्या जारी कर दी गई है। कुल 10,68,042 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 5,32,207 जबकि महिला वोटरों की संख्या 5,35,830 होगी। 2748 बूथों के मतदाताओं की अलग अलग सूची जिला प्रशासन ने पहले ही कर दी थी जारी। यूक्रेन से झारखंड वासियों की वापसी को सीएम ने शाह को लिखा पत्र। 138 लोगों ने किया संपर्क। यूक्रेन में फंसे कुल 138 लोगों ने अब तक झारखंड के श्रम विभाग के माइग्रेंट कंट्रोल रूम से संपर्क किया है। रविवार को 52 लोगों ने संपर्क किया जिसमें 21 महिलाएं 31 पुरुष शामिल हैं। इसके पूर्व शनिवार को 86 लोगों ने झारखंड माइग्रेंट कंट्रोल रूम से संपर्क किया था। यूक्रेन फंसे झारखंडियों के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह विभाग के मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने शाह के झारखंडियों की सुरक्षित वापसी की अपील की है। पुतिन का आदेश, परमाणु हमले की सेना तैयार रहे। यूक्रेन पर हमले को लेकर पश्चिमी देशों के तनाव के बीच रूस ने दिखाए कड़े तेवर। 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित है खार्किव रूस की सीमा से 9 मंजिल इमारत पर हमले में एक की मौत, 60 घायल। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस करेंगे बातचीत। युद्ध क्षेत्र में अभी 13,000 भारतीय फंसे हैं। तो युद्ध क्षेत्र में अभी भी 13,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इसी बीच रूस यूक्रेन के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष के बीच दुनिया में परमाणु युद्ध के बवंडर मंडराने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को रूसी परमाणु प्रतिरोधी बलों को अलर्ट कर रहने का आदेश दिया है। नाटो के सदस्य देशों द्वारा आक्रामक बयानबाजी की प्रतिक्रिया में उन्होंने यह निर्णय लिया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आपात बैठक बुधवार को बुलाई गई। तो आज की न्यूज यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में झारखंड की और नई न्यूज के साथ। इसलिए आप इसी प्रकार के न्यूज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।